से। हम सब विश्व की अलग अलग जगहों पर अलग अलग देशों में अलग अलग घरों में रहते हैं, पर एक व्यक्ति थे जो किसी देश किसी जगह या किसी घर में नहीं परंतु विश्व के हृदय में रहे और आज भी रहते हैं। और इसीलिए पूरा विश्व मना रहा है प्रभु स्वामी महाराज का जन्म शताब्दी महोत्सव। સ્વામી ને નિકટતાથી જોઈ હું કહી શકું કે એ સમયના બંધનો થી બંધાયેલા નહોતા. I remember being deeply touched by his sincerity, his warmth and humility. Hey teacher, what you taught me? Guru Iyer. એમની રૂમમાં જઈએ એટલે તમારો થાક ઉતરી જાય. એક ભક્ત પુરુષ, એક પૂર્ણ યોગી. I shall never ever forget that face. यदि आपने प्रभु स्वामी जी महाराज का आज भी स्मरण किया तो शाश्वत आदित्य हैं और उनकी किरणें आपके ऊपर निश्चित रूप से अपना प्रभाव डालेंगी। स्वामी, just one simple life and he has changed the whole world. समाज का पुनः निर्माण कर उसे पूर्ण किया। 26 जनवरी 2001 गुजरात का भुज शहर। प्रभु स्वामी जी एक माँ की तरह हम सबका ख्याल रखते। अनाज, कपड़े, दवाइयाँ, जूते, चश्मे और साथ में नेल कटर, तेल और कंघी भी यहाँ क्या नहीं भेजा प्रभु स्वामी जी ने? हाँ, उन्होंने तो जैसे बिना घर के हम सबके घर बसा लिए। हाँ, बस अब हमारे टूटे हुए मकान फिर से बन जाए। बन जाएंगे बाबू भाई, कई विपत्तियों में प्रभु स्वामी जी समाज की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं। देखना, वो हमारे लिए भी जरूर कुछ सर्विस करेंगे। हमने कभी सोचा भी नहीं था ऐसे घर और गांव बनाकर दे दिए हमें प्रभु स्वामी जी। एक सच्चे संत हमारे स्वजन बनकर और हमारी टूटी बिखरी दुनिया को उन्होंने
स्वामी महाराज ने घर बनाए, घर बसाए और हर घर में जल्दी ज्वाला को शांत भी किया। बहू, हमारे घर में काम ऐसे नहीं होते हैं। मेरे घर में ऐसे ही होते हैं और यही सही है। ये घर पहले मेरा और यहाँ मेरा घर चलेगा। तो आपका घर आप संभालो, मैं ध्यान लूंगा बच्चों का। बहू रानी कहकर आई थी, गांव का नहीं बनाकर रख दिया। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ कर आई और तुम मेरे लिए उन्हें नहीं छोड़ सकते। वो कायर, अरे बस सुनो तो, मैं तुम्हारा छोटा भाई और पिताजी की मिलकर मेरा बड़ा बड़ा अधिकार है। समझे, जिंदगी भर माँ बाप की सारी सेवा मैंने दी, सारी मिलकर मेरी हो। हाँ तो मिलेगा, तो यहाँ नहीं अलग अलग जाकर। दादाजी, ये आपका सामान नहीं है, ये साइकिल पर पूरी जिंदगी निकल जाए। मुझे मेरी खुद की मोटरसाइकिल चाहिए। आप बात करो ना पापा से। बेटा ला देंगे समय आने पर। आप हमेशा पापा की तरफ दादी करते हो, मुझे कुछ समझता ही नहीं है। कहते हैं परिवार खुशियों का बाग है, पर यहाँ तो हर तरफ आग ही आग है। मुझे भगवान क्या करूँ मैं, क्या इसका कोई उपाय नहीं? बेटा हमारे यहाँ पर घर सफा की बात करिए, घर सफा करवा दे शुभ भाई हो जाए तो बेगा बेहो तो तब नहीं मेरे यहाँ पेटा बने, बेगा भोजन करो तो तुम्हारे यहाँ पेटा बने। मन बड़ों कारण छोड़े बेगा पैसे तो अपने एक जाना विचारों ने आप ले करिए, एक बजा ने समझ का प्रयत्न करिए तो झगड़ा हो जाते हैं। अपना कुटुंब के अंदर एकता हो गए, हम हो गए तेरी वस्तु है ना, हम बाहर आते हैं। इसलिए हमने घर सभा नहीं बात करी कि घर में बैठी रहे, बेगा बैठी रहे, कहीं रामायण नहीं बात करें, माँ भारत नहीं बात करें, सत्संग नहीं बात करें, तो ये कुटुंब संपन्न सुखी संपन्न हो, शांति और हो। अरे मनु भाई, घर सभा का उद्धार देकर प्रमुख स्वामी महाराज ने हमारे परिवार में मानो जादू कर दिया। अब तो परिवार में बस खुशियां ही खुशियां है। सुनिए, आप निश्चिंत होकर कारोबार संभालिए, पिताजी की सेवा मैं कर लूं और घर का सारा काम भी संभाल लूं। और बहू, मैं भी तो हूं तुम्हारे साथ। भैया, आप बंटवारे की चिंता मत करो, पिताजी जो भी तय करें वो मुझे मंजूर। मुझे भी रिश्तों की कीमत दौलत से ज्यादा होती है। दादाजी, मुझे पापा पर बोझ नहीं पड़ना, साइकिल तो है ही, मैं उसी से काम चला लूंगा। देखा, इस घर सवाले तो बच्चों के संस्कार ही बदल दिए। हाँ, एक छोटे से घर सवाले हमारे परिवार की बड़ी बड़ी समस्या को सुलझा दिया। प्रमुख स्वामी महाराज सच कहते हैं, घर के सारे दुखों की एक ही दवा है घर सवाल। उनके इस एक उपहार ने हमारे परिवार को आनंद। इतनी खुशियों के बीच भी कभी हम अकेले हो गए, उदास हो गए या रास्ता भटक गए, तब प्रमुख स्वामी महाराज ने हमें ढूंढ निकाला और हमें सही रास्ता दिखाया। अरे, सब मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? मैं तो अकेला हो जाऊंगा। सब ने मुझे छोड़ दिया, क्या करूं, कोई मुझे समझता ही नहीं है। क्योंकि तो खुद ही ना समझ रहे, इसलिए कोई तुझे नहीं चाहता। अकेला पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। क्योंकि मेरा नसीब ही खराब है, तू असफल था है और हमेशा रहेगा। लगता है कि मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा। सही लगता है तुझे, तू है ही निकम्मा और किसी को तेरी जरूरत भी नहीं है। मेरा कुछ नहीं हो सकता। सच में मैं निकम्मा ही हूँ और कोई नहीं जो मुझे समझ सके। कहाँ जाऊं, क्या करूं, कोई रास्ता दिखाओ मुझे। हम है ना, आजा हमारे पास और भुला दे सारे गम।
तुमने लाखों लोगों के दुख धुएं में उड़ा दिए, तेरे दुख भी उड़ा देंगे। आजा, मुझे पीले और मस्ती से जीले। मन का सब बोझ उतर गया, अब कोई दुख नहीं, कोई परेशानी नहीं, मजा आ गया, अद्भुत। ये क्या है?
सूरज, एक पूर्ण पुरुष जो समग्र विश्व के हृदय में सदा सर्वदा रहेंगे।